गोरखपुर विश्वविद्यालय के शोध छात्र द्वारा प्रताड़ना के बाद आत्महत्या की कोशिश करने की वजह से शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किए जाने से नाराज संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को मुकदमा वापस लेने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया था। 72 घंटे के बाद मुकदमा वापस न लेने पर सोमवार को गोलघर स्थित गांधी प्रतिमा के पास संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रदर्शन किया और कहा कि शिक्षकों पर लगाया गया मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है तो हम उग्र आंदोलन को बाध होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अवधेश कुमार मिश्र ने कहा, अवधेश कुमार मिश्र, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा और यहाँ SC ST एक्ट संयुक्त मोर्चा के संयोजक, दोनों के संयोजक हैं। आज SC ST एक्ट के विरोध में पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, मगर गोरखपुर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन आँख मूंदे पड़ा है और SC ST एक्ट का फर्जी मुकदमा गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो गुर्जरों सहित जिले में एक दर्जन मुकदमे कायम होते हैं और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती है। यह आज का धरना, पिछले 4 दिन पहले हम लोगों ने यह अल्टीमेटम दिया था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो गुर्जरों पर जो मुकदमा फर्जी किया गया है उसे ख़त्म किया जाए और 72 घंटे पूरे होने के बाद आज पुनः हम धरना दे रहे हैं और इसके बाद भी अगर मुकदमा वापस नहीं लिया जाता है गोरखपुर विश्वविद्यालय के दो गुर्जरों पर किया गया फर्जी मुकदमा, तो हम नुक्कड़ सभा, क्रमिक अनशन और आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, शासन और सरकार की होगी। मैं इस सभा के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि चमन पे बिजली गिराने वालों, चमन का इसमें भी फायदा है, चमन पे बिजली गिराने वालों, चमन का इसमें भी फायदा है और जलेंगे मिल के जब आसियाने तो रोशनी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली तक होगी। मैं इस सभा के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन की खबर पूरे सरकार की, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को है।